लाहौर में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अभी आपको बताएं कि लाहौर से इकबाल टाउन में रेस्क्यू की गाड़ी खंबे से टकरा गई है। तार गिरने से रेस्क्यू फायर सर्विस का ड्राइवर जान भाग जबकि दो अहलकार जख्मी हुए हैं, आपको खबर दे रहे हैं। और 11 केवी की तार टूटकर गाड़ी पर गिरने से गाड़ी में आग लग गई। एक ये पड़ा, आपको पता नहीं चल रहा ये है। इकबाल टाउन में रेस्क्यू की गाड़ी खंबे से टकरा गई। तार गिरने से रेस्क्यू फायर सर्विस का ड्राइवर जान भाग हो गया है। ताजा तरीन आपको खबर दे रहे हैं, दो अहलकार इसमें जख्मी भी हुए हैं। 11 केवी की तार टूटकर गाड़ी पर गिरने से गाड़ी में आग लग गई और आग के बायस धमाका भी हुआ। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इकबाल टाउन में रेस्क्यू की गाड़ी खंबे से टकरा गई। तार गिरने से रेस्क्यू फायर सर्विस का ड्राइवर जहां बहक हो गया है जबकि दो अहलकारों के जख्मी होने के इत्तलात हैं। 11 केवी की तार टूटकर गाड़ी पर गिरने से गाड़ी में आग लग गई। आग लगने के बाइस धमाका भी हुआ है। ये फुटेज आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इस वक्त रेस्क्यू की गाड़ी थी जो खंबे से टकराई, जिसके बाइस अब तक की इत्तलात के मुताबिक रेस्क्यू फायर सर्विस का ड्राइवर जहां बहक हुआ है जबकि दो अहलकार जख्मी हुए हैं। 11 केवी की तार टूटकर गाड़ी पर गिरने से गाड़ी में आग लग गई। जी हाँ, ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं कि जब ये गाड़ी टकराई है तो फौरन ही उसमें आग लग गई है और आग लगने से गाड़ी का ड्राइवर जान की बाजी हार गया है। लाहौर का इलाका है इकबाल टाउन, जहां रेस्क्यू की गाड़ी खंबे से जा टकराई और तार गिरने से रेस्क्यू फायर सर्विस का ड्राइवर जान भाग हुआ है जबकि दो अहलकार जो उनके हमरा मौजूद थे वो भी जख्मी हुए हैं। और ये बताया जाता है कि 11 केवी की तार टूटकर गाड़ी पर गिरी और गाड़ी पर गिरने से गाड़ी में आग लग गई और आग लगने के बाइस ये धमाका भी हुआ। ये किया है सारे।